नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 पर भरतपुर के गोंडा से शुरू होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुदरेल गांव के पास समाप्त होगा। आपको बता दें कि यह 4 लेन एक्सप्रेसवे चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन और इटावा से होकर गुजरेगा। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रही हैं, जहां वे कटरा और रियासी जिले के फतिहाल क्षेत्र में जाएंगी। यहां वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों की टीम 18 से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। बिहार में आज पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। सरकार का दावा है कि इस मानव श्रृंखला में लगभग 4 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 16,351 किलोमीटर लंबी जनजीवन हरियाली अभियान के तहत यह मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। आज से नोएडा में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, जिसमें 1160 बूथ लगाए जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव ने कहा कि 20 से 25 जनवरी तक आशा वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगी। इसके लिए 1480 हाउस टू हाउस टीमें बनाई गई है। झारखंड की राजधानी में बीते शनिवार को 65वें नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आर्चरी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में 28 जिले की स्कूल टीमें हिस्सा ले रही है, जिसकी संख्या लगभग 550 के करीब है। आपको बता दें कि इसका समापन समारोह 21 जनवरी को होगा और उसी दिन विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिणी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी 25 जनवरी को नए उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी को 1981 में 7वीं जाट बटालियन के रूप में कमीशन दिया गया था। उन्होंने अपनी बटालियन माउंटेन ब्रिगेड जम्मू कश्मीर के एक काउंटर और वेस्टर्न थिएटर में एक कोर की कमान संभाली है। ब्रिक्स बैंक के मौजूदा चेयरमैन केवी कामत को मोदी सरकार में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ बैंकर केवी कामत वित्त मंत्रालय में राजमंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केवी कामत आईसीसीआई बैंक और इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनवरी से अप्रैल के मध्य चलने वाले कुंभ मेले के सफल संचालन हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया है। भारत के वरिष्ठ वकील हरीश सालवे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि मार्च में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि वे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तमिलनाडु की राजधानी में एक बार फिर माना जा रहा है कि डीएमके और कांग्रेस साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केएस अलागिरी ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मिलने के बाद कहा कि हमारे गठबंधन में कोई समस्या नहीं है, ऐसे मतभेद थे जिन्हें सुलझा लिया गया है। हमने अपने विचार सामने रखे, राज्य चुनाव और उसके बाद भी गठबंधन जारी रहेगा। SBI ने एक हफ्ते में ही FD के बाद अब रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है, जिसके कारण SBI खाता धारकों को अब 0.15% कम ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 10 जनवरी को SBI ने 1 साल से लेकर 10 साल के मैच्योर होने वाले लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पर FD की दरों में 0.15% की कटौती करने का ऐलान किया। FCI अब खुले बाजार में 110 रुपए क्विंटल कम भाव पर गेहूं बेचेगा। आपको बता दें कि फिलहाल FCI के गोदाम में 300 लाख टन से ज्यादा गेहूं पड़ा है और इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने की संभावना है। ऐसे में FCI को अगले सीजन में गेहूं की खरीद के लिए अपना भंडार खाली करना होगा। भोजपुरी फिल्मों में अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी काफी पसंद की जाती है और यही वजह है कि आए दिन इस जोड़ी की फिल्में और गाने सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचाते हैं। इसी क्रम में एक आने वाली फिल्म जिसका गाना जड़ से जुगाड़ इन दिनों यूट्यूब पर धमाल मचाए हुए है। आपको बता दें कि यूट्यूब पर अब तक इस वीडियो को 4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में 6 महीने बाद प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए SMS और वॉइस कॉल की सेवा बहाल कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी।
बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सर्वोच्च नागरिकता अवार्ड से सम्मानित किया है। अवार्ड मिलने पर किरण मजूमदार ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को पहले से और अधिक बेहतर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सैमसंग ए सीरीज का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A51 को भारत में जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है। इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में फरवरी के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन को दो रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स में लाया जाएगा। आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी A51 की कीमत तकरीबन 23,000 रुपए होगी। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो शहर के सरकारी जमीन पर बने सभी धार्मिक स्थलों को खाली कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि सरकार ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को परिषद के सदस्य पद से हटाते हुए पिछले साल नवंबर में NMML सोसाइटी का पुनर्गठन किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतोही अब जल्द ही फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नजर आने वाली है। इस फिल्म में नोरा के साथ बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी नजर आने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में स्ट्रीट डांसर 3D से नोरा का धमाकेदार गाना गर्मी रिलीज हुआ है। ये गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो रहा है। CAA के समर्थन में बीजेपी का जन जागरूकता अभियान जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली की। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस देश में झूठ को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अदालत ने CA के मामले में गिरफ्तार 14 लोगों को 1,00,000 रुपए जमा कराने की शर्त पर जमानत देने की बात कही है। सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि RSS का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वह 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि RSS देश के नैतिक, सांस्कृतिक और मानव मूल्यों के उत्थान के लिए काम करता है। भारत में रूस के राजदूत निकोलो कुदासेव ने कहा कि रूस यह जानने को उत्सुक नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और जिन्हें इस क्षेत्र के लिए नई दिल्ली की नीति और घाटी की स्थिति को लेकर असहमति है वो दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमेरिका राजदूत सहित 15 विदेशी दूतों के समूह में रूस शामिल नहीं हुआ था। राकपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को यह कहने से परहेज करना चाहिए था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करीम लाला से मिला करती थी। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि इंदिरा गांधी अपने मुंबई दौरे के दौरान करीम लाला से मिलती थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भ के लिए बुलढाणा प्लान चलाया जा रहा है। इस प्लान के जरिए क्षेत्र की नदियों, तालाबों की सफाई करने का काम शुरू किया गया है और इसका परिणाम भी सामने आने लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मसाला और मेगा फूड पार्क स्थापित करने की मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव का कटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बता दें कि आदर्श शास्त्री टिकट नहीं मिलने की वजह से आपसे नाराज चल रहे थे। अभी हाल ही में जारी हुई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं था। उनकी जगह आपके वरिष्ठ कांग्रेस नेता महावल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा में 31वां सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। साथ ही महोबा क्षेत्राधिकारी जटाशंकर राव के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि जगतगुरु रामानंदाचार्य की 720वीं जयंती को श्री सांवरिया धाम आश्रम मुंगना में चेतनदास महाराज के सानिध्य में मनाया गया। इस मौके पर कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा के जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन की उपस्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, आयुष्मान योजना सहित जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुसवार समीक्षा की तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित लक्ष्य को पूरा करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि पनवारी में एक गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म अदा की गई, जिसमें पनवारी ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि संजय द्विवेदी, फदना के प्रधान हरगोविंद तिवारी, दादरी के प्रधान नरेश गुप्ता एवं बाल विकास योजना के प्रभारी गीता राजपूत के द्वारा गर्भवती महिला को मिष्ठान, पौष्टिक आहार आदि सामग्री दी गई।
तो ये थी सुबह के ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।